एंटीहिस्टामिनेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, सब में जीन आ रहा है, प्रोमेथाजीन, साइक्लिजीन, सिनाजीन, मैक्लाइजीन। हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स। ठीक है, नौसिया एंड वॉमिटिंग आर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस दैट सर्व टू रिड द स्टमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस जो कि नौसिया वॉमिटिंग है, वो क्या करता है कि स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है उसको निकालने में मदद करता है। अब इमेटिक्स क्या होता है, दो तरह से क्लासिफाई की जाते हैं इमेटिक्स को। नंबर वन, विच एक्ट ऑन CTZ विच इज कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, एंड नंबर टू विच इरिटेट्स गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड CTZ। और एक्टिंग ऑन CTZ का एक फेमस एग्जांपल है एपोमॉर्फिन। ठीक है, और सेकंड इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड CTZ का एग्जांपल है ईपेकेकुआना। अब एंटी एमेटिक्स, तो एंटी एमेटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है। नंबर वन, एंटी डोपामिनर्जिक्स, इसमें आता है नॉन सेलेक्टिव में क्लोरप्रोमाजीन और सेलेक्टिव में मेटोक्लोप्रामाइड। एंटी हिस्टामिनर्जिक्स में जो भी जीन आ जाएगा सबसे लास्ट में, वो सारा एंटी हिस्टामिनर्जिक्स हो जाएगा। ठीक है, सब में जीन आ रहा है, प्रोमेथाजीन, साइक्लिजीन, सिनाजीन, मैक्लाइजीन। ठीक है, एंटी सेरोटोनर्जिक्स, इसके लास्ट में सबके में सेट्रॉन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑनडन सेट्रॉन, ग्रैनी सेट्रॉन, ग्रैनी सेट्रॉन बहुत कॉमन एग्जांपल है, ग्रैनी सेट्रॉन, पोलन सेट्रॉन, डोला सेट्रॉन। ठीक है, अब एंटीकोलिनर्जिक्स में, एंटीकोलिनर्जिक्स का एग्जांपल है हायोसिन। ओके, एडजुवेंट ड्रग्स, इसमें आपके दो एग्जांपल हैं बेंजोडाइजेपिन और कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, और सबसे लास्ट 5-APA का सबसे लास्ट पी, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, इसका एग्जांपल है सीसाप्राइड और डोमपेरिडोन। बहुत पूछा जाता है ये सवाल, सीसाप्राइड प्रोकाइनेटिक ड्रग है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच।